आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को दे दी गई है। 26 मार्च को सत्र शुरू होते ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। सचिवालय को दिए गए आवेदन में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में निरंतर संसदीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और मान्य परंपराएं भी तोड़ी जा रही हैं, साथ ही कई असंसदीय परंपराएं भी स्थापित की जा रही हैं। विपक्ष को दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ेगा और हम लोगों ने तय किया और तय करने के बाद में आज अध्यक्ष जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना सचिवालय को हमने दे दिया है, सेक्रेटरी को, और जो तारीख अब तय होगी उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंत में ये लगा कि इस प्रकार की मर्यादा यदि टूटती रहेगी, इस प्रकार के विधानसभा में नए नए विषय आएंगे तो ये इस प्रकार का काला दिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिससे छत्तीसगढ़ की विधानसभा की मर्यादा कम होती है। हमारे विधायक साथियों ने तय किया कि विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाए और इस विषय को लेकर अविश्वास प्रस्ताव में बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता विपक्षी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके चलते स्पीकर ने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया। दोबारा बैठक शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वायरस को लेकर कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की थी। भाजपा सदस्यों ने कोरोना को लेकर चर्चा की मांग की, जिसके चलते फिर से हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और कार्यसूची फाड़कर आसंदी की ओर फेंक दिया। हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 22 मार्च तक सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। प्रस्ताव नहीं, छत्तीसगढ़ विधानसभा भी 26 तारीख तक स्थगित की गई है, तो कहीं ना कहीं हम सबकी सुरक्षा है, माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी सरकार गंभीर है, इसलिए मतलब ये किया गया है, क्योंकि लगातार ये प्रकरण मतलब पूरे देश में बढ़ रहा है, इस कारण मतलब ये स्थगित किया गया है। आप कार्य मंत्रणा के प्रतिवेदन को रख रहे थे तो हम बात करना चाह रहे थे तो नहीं सुन रहे थे, और आपके पास प्रश्नावली आती है, कार्यसूची आती है, आप देखिए कि पूरे इतने दिन के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी ध्यानाकर्षण या एक भी क्वेश्चन डे हुआ है तो। विपक्ष को उनके अधिकारों से रोका गया है, जो कार्यसूची जारी किया गया उस कार्यसूची में जो प्रश्न और उसके बाद में जो कार्रवाइयां सत्ता पक्ष के द्वारा ये वक्तव्य दे कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और आसंदी के द्वारा उसको स्थगित किया जाना, किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया तो उसके विरोध में ये अध्यक्ष जी जो हैं पहले तो संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं, उसके बाद में विपक्ष के साथ में उनका जैसा व्यवहार होना चाहिए यह अध्यक्ष जी का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि विपक्ष को संरक्षण दे। उनके संरक्षण नहीं मिलने के विरोध में हमने धरना समाप्त किया। हमारे एक विशेषाधिकार का ये मामला है, हमने अध्यक्ष को भी बताया है कि बड़ी मुश्किल से हम बैरिकेड से टकराते हुए अपनी जान को बचाते हुए आज सत्र में आए हैं, तो निश्चित ही हमारी विशेषाधिकार के आवेदन पर आप इस आग्रह कर उचित कार्रवाई करेंगे करते आश्वस्त कराया है और सेक्रेटरी साहब को हमने लिखित में सारे विधायक की उपस्थिति में हमने पत्र दिया है। कुठाराघात करना संसदीय प्रक्रिया जो है वो चाहते हैं, जैसे देश में कीर्तिमान स्थापित कर रही भाजपा यहाँ भी कुछ कीर्तिमान स्थापित करने का वो सोचते हैं, लेकिन यहाँ प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए सरकार सक्षम है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष द्वारा कार्यसूची फाड़कर आसंदी की तरफ फेंकने के मामले की सीएम भूपेश बघेल ने निंदा की है। सीएम ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया। सदन को स्थगित होने के मामले में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रभाव है, भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और सुरक्षा में भी बचाव है। कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई थी उसके उपरांत आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि कोरोना वायरस है वो ज्यादा संपर्क में आने से फैलता है, इसलिए आज दिन भर की कार्रवाई भी स्थगित की जाए। आज विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी के कागज फेंका ये बेहद निंदनीय है। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संग्राम में सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है।
सीएम बघेल ने कहा है कि भाजपा द्वारा ही विधायकों को अपहृत किया गया है और उनके इस्तीफे भी वही लोग लाए थे। बघेल ने कहा है कि चुनी हुई सरकार को ये लोग किसी भी प्रकार से गिराना चाहते हैं। उनके द्वारा ही विधायकों को अपहृत किया गया है, उनके इस्तीफे वही लोग लाए थे। अब विधानसभा में जो परिस्थिति बनी है, वहाँ माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था की है, 26 तारीख को फिर से विधानसभा समवेत होने की बात उन्होंने कही है, तो प्रोग्रेस वहाँ हो जाएगा। इनको हड़बड़ी है, चुनी हुई सरकार को किसी प्रकार से ये लोग गिराना चाहते हैं। खरीद फरोख्त हर जगह चल रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे